डॉक्टर ठाकुर की बेटी नहीं हो? कौन हो तुम दुर्गा? Who are you? शेखर सही था, दुर्गा सिर्फ एक हमशक्ल है। जैसा कि शेखर ने कहा था, जिस दुर्गा को मैं यूएसए में जानता था ये वो दुर्गा नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर ठाकुर की बेटी तो अचानक गायब हो गई थी और फिर अचानक से पाई गई हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट हुआ था उसका जिसमें वो बच गई थी। डॉक्टर ठाकुर को क्या जरूरत पड़ी अपनी बेटी की हमशक्ल लाने की? क्या असलियत में उनकी बेटी नहीं बची थी? और अगर ये दुर्गा असली दुर्गा नहीं है तो डॉक्टर ठाकुर ने अपनी सारी जायदाद और पैसा इसके नाम क्यों छोड़ा है? सवाल पे सवाल पे सवाल। और नित्या इस सब में फिट कहां होती है? क्या है जो मैं नहीं देख पा रही हूं? थिंक साक्षी। लेकिन जवाब तो तभी मिलेंगे जब नित्या मुझे मिलेगी। अब अगला प्लान बिछाना शुरू करना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम। डॉक्टर ठाकुर की मौत की वजह से दुर्गा हिल गई है, कमजोर पड़ गई है। बस पहले ये अकरम खान से निपट लो, फिर मैं तुम्हें देख लूंगी दुर्गा। बी रेडी। मैं जानती हूं मिसेस बासु कि आपने अपनी काउंसलर का जॉब क्यों छोड़ा, अपनी पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली का साथ क्यों छोड़ा। आप अकेले क्यों रहती हैं यहाँ? बच्चों को मुफ्त में शिक्षा क्यों देती हैं? सब जानती हूँ मैं। तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे बात कह रही हूँ मिसेस बासु। जिस गुनाह का बोझ लिए आप जी रही हैं उसे मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। वो एक गुनाह ही था जब आपके एक दस्तखत ने एक मासूम लड़की का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बर्बाद कर दिया था, उसकी फैमिली को खत्म कर दिया था। आपके दस्तखत करे कागज के एक बेसिस पर पायल को मेंटली अनस्टेबल करार कर दिया गया, उसे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेज दिया जहां उसे गलत दवाइयां दी गई, शॉक ट्रीटमेंट दिया गया और धीरे धीरे उसे बेजान कर दिया। जीते जी मर चुकी थी वो, क्योंकि ना वो किसी को पहचानती थी, ना कुछ बोल पाती थी, ना कुछ कर सकती थी। आज वो लड़की इस हाल में। मॉम प्लीज मुझे बचा लो, आप इस पेपर पे साइन कर दो। आप इस पे साइन कर दोगे ना तो मैं बच जाऊंगा। मॉम प्लीज इस पे साइन कर दो प्लीज। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही करण? एक लड़की का रेप करके तुम मेरे सामने खड़े कैसे हो? अरे गलती हो गई बच्चे से, अब साइन कर दो। देखो अगर इसका गुनाह प्रूव हो गया और इसे जेल हो गई तो इसके साथ साथ मेरा पॉलिटिकल करियर भी बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे गलत काम करने के लिए कह रहे हो? इस पेपर पे साइन करना मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़की पायल अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, जो कि झूठ है। पायल मेंटली बीमार नहीं है। अरे बीमार तो आपका बेटा है, इसे और इसके दोस्तों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक सिखाना होगा इन्हें। जिंदा बचेंगे तो सबक सीखेंगे अनुराधा। अनुराधा अगर बच्चों को सजा हुई तो वो जेल जाएंगे, और अगर वो जेल गए तो अंदर ही मारे जाएंगे। हमारे बच्चों को ऐसी जिंदगी की आदत नहीं है, वैसे भी उन्हें अपने किए पे पछतावा तो है ना। देखो अनुराधा, हम माँ हैं, अपने बच्चों की गलतियों को सुधारना हमारा फर्ज है, उन्हें सुधरने का मौका देना हमारा फर्ज है।
मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अनुराधा, एक बार बच्चे इस केस में बरी हो जाए तो मैं पर्सनली मित्रा फैमिली को रीसेटल करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। प्लीज साइन कर दो इसे, बिलीव मी तुम कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ अपने बच्चों की जान बचा रही हो। प्लीज नहीं कंगना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच मिसेस बासु, दिस मीन्स अ लॉट। बताओ अब मुझे क्या करना होगा? Jenny? बड़े भैया, what a catch! वैसे तुम आज घर पे कैसे? मैं घर में क्या कर रहा हूँ? Come on भैया, ये घर मेरा है और मर्जी मेरी। मुझे घर पे आना था तो मैं आ गया, इसमें बड़ी बात क्या है? और दूसरी बात ये है कि मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था। भले ही मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टर ठाकुर की मौत का बहुत बुरा लगा। भगवान उस नेक इंसान की आत्मा को शांति दे। और बड़े भैया, आप खामखा टेंशन मत दीजिए। उस शाम को अगर आप रोमांटिक डिनर पे ना होते और घर पर होते तो भी उन्हीं को होने से कोई नहीं डाल सकता। किस्मत अपनी अपनी। क्या आप मुझे मेरा बॉल वापस करेंगे? तुम और दुर्गा जहां पर भी होते, डॉक्टर ठाकुर की मौत तो मेरे ही हाथों तय थी, और अब जल्द ही आपकी और दुर्गा बेबी की बारी है। उधार की जिंदगी जी लीजिए जितनी बाकी है। मोहंती ने खुद ये डिनर का प्लान बनाया या किसी ने उससे बनवाया? डॉक्टर ठाकुर का मर्डर कहीं सेटअप तो नहीं था? रिश्ता वही।